इसराइल ने 8 अक्टूबर 2023 को जिस तेजी से हमास के कब्जे वाले गाजा पर हमला बोला था, अब वो जोश ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। गाजा में जैसे जैसे इजरायली बलों ने अपने हमले तेज किए, वैसे वैसे हमास के सहयोगी और फिलिस्तीनी समर्थक इसराइल पर हमलावर हैं। इसराइल और हमास के कब्जे वाले गाजा में जंगी हालात बदस्तूर जारी हैं। इसराइल हमास युद्ध की आग अब पूरे मिडिल ईस्ट में भड़क चुकी है। युद्ध हर बीते दिन के साथ और गहराता जा रहा है। पुराने इलाकों पर फिर जंग शुरू होने से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोधी गुट गाजा के उत्तर में जबालिया और दक्षिण में रफा शहर में कई मोर्चों पर इसराइली सेनाओं से उलझ रहे हैं। फिलिस्तीनी लड़ाके सक्रिय रूप से इसराइली सैनिकों और उनके वाहनों का पीछा कर रहे हैं। कई प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल कर इजरायली बलों पर कहर बरपा रहे हैं। उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर के पूर्व में हमास की मिलिट्री विंग अलकासिम ब्रिगेड कब्जे वाली ताकतों के साथ अलकासिम ब्रिगेड इजरायली सेना के साथ भयंकर टकराव में लगी है। इसी तरह मुजाहिदीन ब्रिगेड भी कई प्रकार के खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इजरायली सेना के साथ भीषण टकराव से जूझ रही है। अलमयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक हमास जबालिया शिविर में इजरायली सेना के साथ भयंकर टकराव में लगा हुआ है। पूर्वी रफा को लेकर प्रतिरोधी समूह जॉर्ज स्ट्रीट के पूर्व में आईडीएफ का सामना करते हुए इलाके में इजरायली घुसपैठ का मुकाबला कर रहा है। अलकासिम ने खुलासा किया कि गाजा के दक्षिण में रफा शहर में जॉर्ज स्ट्रीट के पूर्व में दो अलियासीन 105 गोलों के साथ एक इजरायली सैन्य वाहन और एक मरकावा टैंक को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। इस्लामिक जिहाद की मिलिट्री विंग अलकुज ब्रिगेड की मदद से अलकासिम लड़ाकों ने भारी कैलिबर मोर्टार गोलों का इस्तेमाल कर राफा क्रॉसिंग के भीतर इजरायली बलों को सफलतापूर्वक निशाना बनाने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने गाजा में हमास के लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। राफा के साथ साथ युद्ध के दौरान लगभग तबाह हो चुके उत्तर के कुछ हिस्सों में भी कार्रवाई दोबारा शुरू की गई है। इस दौरान जबालिया पर आक्रमण के दौरान भीषण झड़पें हुई। जबालिया में इजरायली सेना ने हवाई हमलों के बाद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी हैं।